के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को की रफ्तार को धीमा कर दिया है। सीट शेयरिंग की गाड़ी आगे बढ़ने के बजाय फिलहाल खड़ी है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की माने तो इसी महीने इंडिया अलायंस में शामिल दलों की बैठक बुलाई जाएगी। भी हुई है और बहुत सारी चीजें तय हो रही है। अभी वर्चुअल बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल थे और हमें नहीं लगता कि इससे कोई फर्क है। ये डेली रूटीन का काम हो गया, ईडी का भी और हमारा भी, उसको समझने का डेली रूटीन का काम हो गया। बहुत उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही ये चलता है, तो सब पब्लिक भी सब जानती है। तो हम समझते हैं कि बहुत इस तरह का कोई कहीं दिक्कत नहीं है और हम लोग उस पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत जल्द आपको सारी सूचनाएं दी जाएंगी। पिछले दिनों बैठक भी हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।